आज इस रेसिपी वीडियो में हम सीखेंगे चटपटे मसालेदार आलू बनाने की एक नई रेसिपी। यकीन मानिए इतने ज़्यादा टेस्टी होंगे कि आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले हमने आलू को अच्छी तरीके से उबाल लिया है। उबालने के बाद हमने इसके छिलके हटाकर और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। अब अगर हम मसालों की बात करें तो हमने लिया है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर और एक चम्मच किचन मसाला। तो ये आपके घर के नज़दीक मिल जाएंगे सभी मसाले। इसके साथ ही हमने लिए हैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी और आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जितना भी आप कम या ज़्यादा खाते हैं। इसके साथ ही हमें थोड़े से मसाले और लेने होंगे, जैसे कि आधा चम्मच सूखा धनिया। इसके अलावा हमने लिए हैं 3 साबुत लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई। तो बस हमें इतने ही मसाले यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन लेना होगा और इसमें सभी आलू को लोड देना होगा, क्योंकि हमने आलू उबालते समय इसमें नमक नहीं डाला था, इसीलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक डाल रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे हम मसालेदार आलू बना रहे हैं तो इसमें नमक और मसाला थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा और मसाला और नमक पहले ही इसमें मिक्स किया जाता है। तो चलिए हम अच्छी तरीके से पहले इसमें नमक मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हमने मसाले भी इसमें डाल दिए हैं। इसके साथ ही अब हमें इसे दोबारा से मिक्स करना होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हमें चटनी भी डाल देनी होगी, लेकिन दोस्तों याद रखें चटनी डालने के बाद आपको इसको चम्मच से चलाना होगा, क्योंकि चटनी आपके हाथों पर लगेगी तो आपके हाथों में मिर्च टाइप की भी लग जाती है। तो चलिए हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे आलू में। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। अब आलू में मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमने एक कढ़ाई को रख दिया है गैस चूल्हे पर और इसको गर्म होने देना है। जैसे कि ये गर्म हो जाती है, अब हमें इसमें डालना होगा कुकिंग ऑयल। तो हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके साथ ही हमें इसमें सूखा धनिया डाल देना होगा। सूखा धनिया, 3 साबुत लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई हमें इसमें डाल देनी है और ये थोड़ी देर में ब्राउन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे इन सभी चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब हमें इसमें आलू डालने होंगे, तो चलिए हम इसमें सभी आलू डाल देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से डालिए, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो होता है ये आपके हाथ पैरों पर आ सकता है, तो यहाँ पर ये आराम आराम से ये काम आप कीजिए। तो चलिए हम सभी आलू को इसमें डाल के फटाफट से आपको दिखा देते हैं। अब हमें सभी आलू को अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों मिक्स करते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा आलू ज़्यादा ना टूटें। जैसे कि आलू अगर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी करेंगे तो आलू बेकार हो सकते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत ही स्वादिष्ट आलू बनाने हैं चटपटे, तो ये थोड़े दिखने भी चाहिए। तो जैसे कि आप देखेंगे हमने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है आलू में और हमारी रेसिपी ये बनकर तैयार हो जाएगी लगभग 10-15 मिनट में। अब हमें करना क्या है, इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। तो चलिए हम ढक्कन लगा के कढ़ाई का 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमने ढक्कन लगा दिया है, आप देखेंगे 10-15 मिनट के बाद। तो अब हमने 10-15 मिनट के बाद इसको हटाकर देखा है और हमारे जो ये आलू है बनकर रेडी हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने आपको एक बहुत ही मज़ेदार आलू की चटपटी रेसिपी बनाना सिखा दी है। तो ये बहुत ही मसालेदार और चटपटे आलू हैं, आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में पूरी के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई रेसिपी की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।